स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा प्लॉट होता है उसको हम गज में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। हमेशा जो प्लॉट का जो क्षेत्रफल होता है उसका एरिया हम स्क्वायर फीट में बात कर लेते हैं, लेकिन गज में किस तरीके से करना है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं गज़ क्या होता है। गज को हम इंग्लिश में कहते हैं यार्ड, और एक गज में हमारा होता है 3 फीट। एक गज में हमारा 3 फीट होता है, लेकिन जब बात आती है क्षेत्रफल की तो वो स्क्वायर में हो जाता है हमारे। जैसे अब हम एक गज हमारा आएगा, एक वर्ग गज की अगर हम बात करेंगे, यानी एक वर्ग गज यानी कि एक स्क्वायर यार्ड। स्क्वायर यार्ड जैसे कि हमारा एक गज में 3 फीट होता है, तो हमारा एक वर्ग गज में होगा 3 स्क्वायर। हम कर देंगे 3 के 3 करने के बाद 9, यानी कि हमारा एक वर्ग गज में, एक स्क्वायर यार्ड में हमारा होता है 9 फीट, और एक गज में होता है 3 फीट, और एक वर्ग गज में होता है हमारा 9 फीट। अब यानी जैसे कि अब हम समझ सकते हैं किसी एग्जांपल के ज़रिए, जैसे कि ये हमारा कोई प्लॉट का क्षेत्रफल है, कोई एरिया है किसी भी प्लॉट का, ये इसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं 15 फीट, और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं लंबाई 60 फीट। तो अब हम इसका टोटल एरिया निकालेंगे। एरिया का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई है हमारी 15 फीट इंटू 60 फीट, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 900 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है, जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया है जो, तो हमारी जो यूनिट है वो भी मल्टीप्लाई होगी आपस में। जैसे 15 इंटू 16 की 60 किया हमने तो 900 आया, 900 आया। जब हम फीट इंटू फीट करेंगे तो हमारा स्क्वायर फीट हो जाएगा। इसलिए हमेशा एरिया आपका हमेशा स्क्वायर फीट में आएगा या स्क्वायर यार्ड में आएगा। तो हमारे ये 900 स्क्वायर फीट आ गया है। अब इसको हम गज़ में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम आप देख सकते हैं एक गज़ में 3 फीट होता है और एक वर्ग गज़ में हमारा 9 फीट होता है। तो अगर हम इसको गज़ में बदलना होगा तो सिंपल कुछ नहीं करना है, सिर्फ 900 मतलब या जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको सीधे हमें 9 से डिवाइड कर देना है, हमारा वर्ग गज में आ जाएगा एरिया। अब इसको हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 15 फीट बाई 60 फीट का प्लॉट हमारा वर्ग गज, तो ये हम कह सकते हैं कि 15 फीट और 60 फीट का जो हमारा प्लॉट एरिया है उसको वर्ग गज में कितना आएगा, वो हमारा होगा 100 वर्ग गज़। और इसी तरीके से अगर हम सिर्फ गज़ में पता करना है तो फिर हम वो सीधे 9 के बाद 3 कर देंगे तो और ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे जो भी हमारी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हम कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, 15 ही फिट नहीं, जो भी आपके हिसाब से, जो भी आपकी प्लॉट की साइज़ होगी, 20 होगी, यहाँ 20 होगी, यहाँ 10 होगी, तो 300 होगी, तो फिर उसी हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पर खाली अपनी वैल्यू डाल देना है मल्टीप्लाई करने के बाद, और 9 से भाग दे देना है, आपका वर्गज में वैल्यू आ जाएगी। तो अभी इस वाली वीडियो में हमने बात किया कि जो सीधे समतल है उसका किस तरीके से हम वर्गज में निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो भी हमारा प्लॉट थोड़ा तिरछा है, जैसे कुछ इस तरीके से, जो भी इस तरीके, अभी तो हमने बराबर जो इक्वल शेप में जो भी हमारे प्लॉट हैं उसके बारे में हमने बात करी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो कि थोड़ा सा अनइवन है, यानी कि जिनकी लंबाई चौड़ाई या थोड़ा शेप थोड़ा सा टेढ़ा है, जैसे कि हम इसको देख सकते हैं, या इस तरीके की जो भी प्लॉट होंगी इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, हम ये अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।